हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। जैसा कि आप सबको पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो होल्ड गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स इस पे भी ये एप्लीकेबल होता है सेम ऐसे ही। दिस मीन्स दैट व्हेन एन अर्थ एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी उस अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो जब कोई फ्री फॉलिंग कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई पत्थर अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, गिर रहा है, तो वो अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी स्पीड से, उतनी ही ताकत से वो भी उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। If the stone also exert an equal and opposite force on the earth, अगर stone भी equal and opposite force earth के ऊपर लगा रहा है तो हमें ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता कि earth जो है वो ऊपर उठती हुई क्यों नहीं दिख रही है stone की तरफ। आओ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम एक साइड रख लेते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब यहाँ पे मास देखेंगे उस ऑब्जेक्ट का, उस स्टोन का मास देखेंगे, उस स्टोन का जो मास है वो बहुत कम है और जो फोर्स है वो फोर्स हमने पीछे निकाली थी 9.8 न्यूटन की फोर्स आती है। अगर 1 kg का स्टोन जो है, एक मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर 1 kg का स्टोन गिर रहा है, तो हमने पीछे सैम्पल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट या सेकेंड करी थी, उसके अंदर आपने देखा था, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, तो इसमें आपने देखा था कि अर्थ ने जो फोर्स लगाया था वो था 9.8 न्यूटन का। तो 9.8 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस पत्थर के ऊपर और मास है उसका 1 kg का। तो आप एक्सेलरेशन देखोगे, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस स्टोन की जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मास हम ले लेते हैं अर्थ का, क्योंकि फोर्स तो सेम ही रहने वाला है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स इज़ इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स उतना ही है, 9.8 ही है। बट यहाँ पे जब हमने अर्थ का मास रखा तो 9.8 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁴, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 अप्रॉक्सीमेट 10⁻²। तो इतना छोटा जो एक्सेलरेशन आया है वो आया है अर्थ का 10⁻²। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब अर्थ ने भी कुछ एक्सेलरेशन उस स्टोन की वजह से लिया ज़रूर है, लेकिन वो इतना छोटा एक्सेलरेशन है कि वो दिखाई नहीं देता, वो महसूस ही नहीं होता है, और वो ऐसा है कि वो उसे हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। द मास ऑफ स्टोन इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस ए लार्ज एक्सेलरेशन इन इट। तो इस फोर्स की वजह से इस स्टोन का, क्योंकि मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन बहुत थोड़ा आया है। ठीक है, इसलिए हमें अर्थ जो है वो मूव करती हुई, एक्सेलरेट करती हुई नहीं दिखती है स्टोन के कंपैरिजन में, बट स्टोन ऊपर से नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई दे जाता है। फ्री फॉल क्या होता है बच्चे? जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी ऊपर से गिरती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो हम उस बॉडी को फ्री फॉल स्टेट में कह सकते हैं। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी गिरी है ऊपर से अर्थ की तरफ विद नो अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसे फ्री फॉल कहेंगे। जैसे बंजी जंपिंग होता है, जैसे हाइट से कोई पत्थर गिराना होता है, तो ये सब फ्री फॉलिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पहले तक ये माना जाता रहा कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर सेम हाइट से हम दो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकें, तो पहले ये माना जा रहा था कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो पहले आगे गिरेगा और जिसका मास कम होगा वो बाद में आगे गिरेगा। मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, इसके ऊपर पहले थ्योरी मानी जाती थी। लेकिन गैलीलियो भाई साहब ने क्या किया कि पीसा की मीनार से ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन का मास से कोई लेना देना नहीं है अर्थ के ऊपर। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका बॉडी के मास से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने पीसा की मीनार से दो अलग अलग मास के पत्थर फेंके सेम टाइम पे,
एक भारी वाला पत्थर, एक लाइट वाला जिसका मास कम था। तो जब सेम टाइम पे ऊपर से छोड़े तो इन्होंने ग्राउंड पे भी सेम टाइम पे ही हिट किया, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम था। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इनका मास से कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटी ने दोनों को बराबर एक समान खींचा और एक स्पीड से ये नीचे आके गिरे हैं, ठीक है। और जो पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने लिया था, गैलीलियो ने नहीं, किसी और ने, एक फेदर लिया था, एक पंख लिया था और एक कॉइन, एक सिक्का लिया था, उनको ऊपर से एक सेम डिस्टेंस से छोड़ा तो सिक्का पहले नीचे गया और फेदर जो था वो बाद में पहुंचा। तो गैलीलियो ने कहा कि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फेदर है उसका मास बहुत कम है कंपेरिजन टू उसके एरिया, क्योंकि फेदर का एरिया ज़्यादा है और उसका मास कम है, इसलिए इस पर एयर रेजिस्टेंस आ गया, हवा इसको रोक रही है नीचे आने से, और इसने नीचे तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लिया। बट जब उन्होंने दो मास लिए जिनकी डेंसिटी हाई थी तो उन्होंने सेम टाइम पे हिट किया, तो ये थ्योरी चेंज हो गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मास का कोई रोल नहीं है। और ये बाद में प्रूव भी कर दिया रॉबर्ट बॉयल ने, एक फ्लास्क के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी सारी हवा निकाल के एक फेदर और एक कॉइन को फिर से उन्होंने डाल के देखा, तो उन्होंने दोनों ने सेम टाइम पे ही ग्राउंड को हिट किया। अब बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक्सेलरेशन का वैसे तो साइन होता स्मॉल a, बट क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसको g से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। इसका मतलब ये है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और जब किसी पत्थर को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो भी नेगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड का उसका रिटार्डेशन होता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की, हमें फॉर्मूला पता है फोर्स निकालने का, जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई अर्थ निकालना है तो अर्थ का मास ले लेंगे जिसको हमने डिनोट कर लिया कैपिटल M से, और जो स्टोन है या कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके मास को हमने लिया स्मॉल m, और क्योंकि डिस्टेंस जो है उनका नेगलिजिबल हो सकता है मानेंगे हम, क्योंकि अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा है 6400 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो स्टोन से जो डिस्टेंस लेंगे वो मान लो हमने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी पत्थर फेंक दिया तो भी वो नेगलिजिबल ही रहेगा, उसके डिस्टेंस को हम मानेंगे नहीं। तो जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस को ही डिस्टेंस मान लिया कि अर्थ और स्टोन के बीच में डिस्टेंस है उसका रेडियस, तो अर्थ के रेडियस को आर स्क्वायर। फॉर्मूला जो है फोर्स का एक और होता है जो कि होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का निकाल रहे हैं तो ए की बजाय हम जी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ बाई एम करके लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एम जी लिखेंगे, स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे सिर्फ जी को अकेला छोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वेयर इंटू ए इसके नीचे आ जाएगा, हाँ सॉरी जी इसके नीचे आ जाएगा, एम आ जाएगा इसके नीचे, जी यहाँ पे रह जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल m से m कट जाएगा, तो अपने को ये मिलेगा g इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। तो g है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, g की वैल्यू आ जाएगी 6.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 जो कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और ये है अर्थ का मास और ये है अर्थ का रेडियस, इसका स्केयर करेंगे तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, जो कि हम हर जगह यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल्स में आप इसको 10 भी लिख सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है। अगर उसने नहीं दिया है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर, और अगर उसने दे रखी है वैल्यू तो फिर अपने को 9.8 ही लेनी पड़ेगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।